राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरे की संपत्ति को लेकर दो गुटों में बटे डेरा अनुयायी, डेरों के मालिकाना हक को लेकर शुरू हुई जंग। अपने अपने मालिकाना हक के लिए दोनों गुटों में चल रही है खींचतान। डेरा समर्थकों की लड़ाई अब पहुंच चुकी है कोर्ट। 17 डेरों को लेकर डेरे के अनुयायी धड़ों में बटे। टोटल न्यूज के पास है 17 डेरों की एक्सक्लूसिव लिस्ट। हिसार में भी डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या 316 के पार पहुंच चुकी है। डेंगू से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया योजना पर खट्टर सरकार तेजी से काम कर रही है। डिजिटल इंडिया योजना के तहत खट्टर सरकार 30,000 युवाओं को हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन के तहत प्रशिक्षण दे चुकी है, जिसमें से 5,100 युवा निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। साल 2009 में कांग्रेस सरकार के समय किसानों से अधिग्रहण की गई जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने का फैसला किया है और इसकी रिपोर्ट 6 महीने में लाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार ने बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जमीन को सस्ते दामों पर लिया है। हरियाणा के अम्बाला में एक माँ की घिनौनी करतूत सामने आई है। एक बेरहम माँ ने 9 महीने तक एक बच्ची को अपनी कोख में पाला और फिर बच्ची को जन्म देते ही उसे एक पॉश कॉलोनी के मकान की खुली छत पर छोड़कर फरार हो गई। बच्ची को काले रंग की पॉलिथीन में डालकर छत पर छोड़ा गया था। फिलहाल बच्ची को नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अम्बाला में जवान बेटे की मौत से दुखी एक पिता ने सल्फास निगलकर जान दे दी। बैंक कर्मी गोपीचंद दुआ ने पार्क में जाकर जहर खाया और इसके बाद उन्होंने परिवार के लोगों को फोन करते हुए बेटे का बुलावा आने के चलते उसके पास जाने की बात कही। गोपीचंद दुआ के शव को पोस्टमार्टम के लिए अम्बाला कैंट के सिविल अस्पताल भेजा गया। हरियाणा पुलिस का 50 वर्षीय सब इंस्पेक्टर इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। पैसे नहीं होने के कारण इलाज कराने में हो रही है दिक्कत। इलाज के लिए प्रदेश सरकार और हरियाणा पुलिस महकमे से नहीं मिल रही कोई मदद। 8 अगस्त 2017 को महेंद्रगढ़ कोर्ट में पपला गैंग के बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर को सिर में मारी थी गोली। बदमाश पपला को कोर्ट में पेश करने ले जा रहे थे धर्मवीर सिंह। घायल अवस्था में धर्मवीर को रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान लगे 11 लाख रुपए, रेवाड़ी एसपी ने 1.5 लाख रुपए दिए थे। गोहाना में इनकम टैक्स विभाग की रेड। दिल्ली से आई इनकम टैक्स विभाग की टीम में 5 से 6 अधिकारी थे मौजूद। संजय नाम के युवक के घर पर मारी गई रेड। घर के अंदर खंगाला गया सारा सामान। संजय दिल्ली की एक दवाइयों की फैक्ट्री में करता है काम। नवंबर का महीना शुरू होते ही ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी दे दी है दस्तक। गोहाना में आज कोहरा छाने की वजह से सुबह से ही मौसम में रही ठंडक। वाहनों पर भी देखने को मिला कोहरे का असर। गाड़ी चालक अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर धीमी गति से गाड़ी चलाते हुए आए नजर। उत्तर भारत के ऐतिहासिक मेले कपाल मोचन के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की धूम नजर आई। आज दूसरे दिन लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों में श्रद्धा की डुबकी लगाई और मंदिरों में दर्शन किए। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है।